हेलो गाइस, वेलकम टू टेक यासर YouTube चैनल। और गाइस, Redmi Note 9 Pro Max इंडिया में कब लॉन्च होगा, 5G फोन का वेट करें या 4G फोन आज की डेट में परचेस कर ले, और अगर 5G फोन इंडिया में आता है तो 10-12 हज़ार रुपए की रेंज में हमें कब तक देखने को मिलेगा, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 157 में आप सभी का स्वागत है। कि सबके गर्मा-गर्म क्वेश्चंस का गर्मा-गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते 3000 लाइक्स का, आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते कुशाल कुमार, ये बोलते हैं ब्रो, लॉन्ग टर्म के लिए फोन लेना है लाइक 2-3 इयर्स, सो वेट करूं 5G फोन के लिए, माय बजट इज 20K, लव योर कंटेंट ब्रो, थैंक्स फॉर लविंग माय कंटेंट ब्रो। और अगर आपको 2-3 साल के लिए लंबे टाइम के लिए फोन को इस्तेमाल करना है तो मैं बोलूंगा अगर आपका 20,000 रुपए का बजट है 2021 जनवरी फरवरी तक के वेट कर लो, काफी आपको Realme की तरफ से, Xiaomi, Redmi, Poco की तरफ से 5G फोन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको 3 साल चलाना है तो मैं बोलूंगा 5G फोन ही, 4G फोन अभी फिलहाल के लिए अगर आपको इतने लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना है तो मत लेना। नेक्स्ट है यहां पर प्रणव ज्योति, ये बोलते हैं बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 13,000 एंड हाउ चूज अ गेमिंग फोन, आल्सो अदर परफॉर्मेंस इज गुड प्लीज। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि 13,000 रुपए का बजट है, गेमिंग तो इनको बढ़िया चाहिए, साथ ही साथ ओवरऑल डे टू डे टास्क में भी फोन काफी बढ़िया चाहिए। तो मैं एक ही फोन आपको रिकमेंड करूंगा, पोको M2 Pro। जी हां, यहां पर आपको जो स्नैपड्रैगन का 720G देखने को मिलता है, तो यहां पर गेमिंग तो आपकी बढ़िया होगी, साथ में डे टू डे टास्क में जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज रहता है सारे एप्स कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली आप यहां पर जो है पोको M2 Pro के साथ में जा सकते हो, काफी बढ़िया डील है। नेक्स्ट यहां पर राहुल करडे, ये बोलते हैं क्या न्यू ईयर में कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन 5G आ सकता है या फिर लास्ट डिस्प्ले ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लव योर ऑनेस्ट वीडियो, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस भाई। और यार, स्मॉल फोन आपको बजट में मिड रेंज में देखने को नहीं मिलेंगे। हां, एप्पल ने मतलब फ्लैगशिप कैटेगरी में तो मिनी वाला लॉन्च कर दिए, लेकिन मिड रेंज में, बजट में, चाहे 4G हो 5G हो, आपको छोटे फोन 2021-22 में देखने को नहीं मिलेंगे, वही बड़े-बड़े स्क्रीन के। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अब जो 2021 आने वाला उसमें तो 7 इंच तक के भी यहां पर डिवाइस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर टोटल गेमिंग, ये बोलते हैं भाई Redmi Note 10 Pro 5G की प्राइस कितनी होगी जिसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा है, और YouTube से कितना अर्न करते हो, लव यू फ्रॉम गोरखपुर, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। और जो आपका Redmi Note 9 Pro 5G जो चाइना में लॉन्च होता है 108 मेगापिक्सल वाला, चाइना में 18,000 रुपए का देखने को मिलता है, इंडिया में Mi 10i के नाम से भी आ सकता है, Redmi Note 10 Pro के नाम से भी आ सकता है। तो डेफिनेटली जो इसकी प्राइस पॉइंट है अराउंड 20-22 हज़ार रुपए तक आप इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरी अर्निंग की बात करें, हर महीने अलग है, कभी इतनी रहती है कभी इतनी रहती है, कभी कभी कोई कोई महीने में मैं जो है आपका Redmi K20 Pro परचेस कर सकता हूँ, कोई महीने में OnePlus Nord ले सकता हूँ, ये कभी कभार तो Poco M2 Pro वाली अर्निंग भी हो जाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ये कभी कभार ये Max वगैरह चली जाती है तो मैं Galaxy S20 Plus भी ले सकता हूँ, तो आप इससे समझ सकते हो बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर कंकन कलिता, ये बोलते हैं Realme Narzo 20 Pro, Realme 7, Poco M2 Pro 6GB, इन तीनों में से ओवरऑल कौन सा अच्छा होगा, कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लव यू फ्रॉम आसाम, तो लव यू टू फ्रॉम मुंबई। अगर कैमरा आपकी मेन प्रायोरिटी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा Realme 7, क्योंकि वहां पर आपको सोनी का IMX682 मिलता है और कैमरा 64 मेगापिक्सल का अमेजिंग है, कैमरे के लिए डेफिनेटली जो है Realme 7 के साथ में आप जा सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर अतनु दास, ये बोलते हैं भाई पोको X3 3-5 साल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है कि नहीं, लव यू फ्रॉम झारखंड, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। पोको का अगर आप ले रहे हो X3 और 3-5 साल इस्तेमाल करना है, और अगर आप 128GB में रेकमेंड करूंगा ले लो, आराम से 3-4 साल जो है आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफी जबरदस्त है, अच्छी क्वालिटी का केस इस्तेमाल करना, 3 साल तो आराम से चल जाएगा, लेकिन 128GB लेना, 64GB मत लेना, क्योंकि आपकी स्टोरेज जो है फुल हो जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर साइको गेमर, ये बोलते हैं हेलो सर कैसे हो आप, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोलते हैं गेमिंग के लिए कौन सा फोन अच्छा होगा, पोको X3 या फिर Realme 7 Pro, हाई रिफ्रेश रेट को कंसीडर मत करना। ठीक है, चलो हाई रिफ्रेश रेट को निकाल देते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा Realme 7 Pro भी ले सकते हो, Poco X3 भी ले सकते हो, गेमिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन जबरदस्त है। सिर्फ एक चीज के लिए मैं अगेन आपको जो है X3 रेकमेंड करूंगा, बिकॉज आपको वहां पर डिस्प्ले बड़ा मिलता है तो गेमिंग करने आपको मजा आएगी, साथ ही साथ 6000mAh की आपको मॉन्स्टर बैटरी मिल जाती है, जबकि Realme के फोन में आपको सिर्फ 4500mAh की बैटरी मिलती है। तो अगर आप गेमर हो, अगर आप हाई रिफ्रेश रेट को निकाल भी देते हो और गेमिंग के लिए अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हो, तो मैं ओवरऑल X3 को रेकमेंड करूंगा एज कंपेयर टू Realme
7 Pro से. Next यहाँ पर पीका सेर ये बोलते हैं Realme X50 Pro और Realme X7 Pro which is better for gaming and long term use. दोनों ही अपनी जगह पे काफी जबरदस्त है, फ्लैगशिप चिपसेट है, 5G चिपसेट है, दोनों में से कोई भी आप ले लो आपको निराशा नहीं होगी. नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर श्याम सुंदर चौहान, ये बोलते हैं ब्रो कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में. और ये बोल रहे हैं क्या Redmi Note 9 सीरीज इंडिया में 5G आ सकता है या नहीं और कब तक लॉन्च होगा. तो इंडिया में Redmi Note 9 5G सीरीज जो आई थी प्रो 5G और नॉर्मल Note 9 5G इंडिया में वो नाम से नहीं आएगा, आपको Redmi Note 10 सीरीज के नाम से देखने को मिल सकता है या Mi 10 के नाम से देखने को मिलेगा, लेकिन 110% है इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन नाम चेंज होके मिलेगा और जनवरी फरवरी के अराउंड आपको देखने को मिलने वाला है. नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर ट्रू मास्टर, ये बोलते हैं Infinix 08i प्राइस इंक्रीज हो गया है, अब 16000 रुपए का मिल रहा है, अब लेना वर्थ है या नहीं और आप लैपटॉप अनबॉक्सिंग क्यों नहीं करते हो. 8i 15000 रुपए में बोलूंगा सही प्राइस पॉइंट ही, 16000 रुपए में मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइस पॉइंट बढ़ा दिया यार, उससे अच्छा तो आप Poco X3 वगैरह ले लोगे, वही सेम प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा है. बनने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनर्स कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही गर्म गर्म लेटेस्ट ऑनर्स कंटेंट में आप तक सबसे पहले पहुंचा पाओ. और बात रही यहाँ पर लैपटॉप अनबॉक्सिंग की, तो यार ब्रांड मेरे को अनबॉक्सिंग के लिए भेजेंगे तो मैं जरूर से आप लोग के लिए अनबॉक्सिंग करूंगा, और मेरा इतना बजट तो नहीं है कि मैं हर लैपटॉप को या मतलब पॉपुलर लैपटॉप को भी परचेज करूंगा. देखो मोबाइल का कैसे ना, मोबाइल एक बार मैं परचेज कर लूं कैसा भी पैसे का जुगाड़ लगा के खरीद लूं अनबॉक्सिंग कर लूं थोड़ा लॉस में बिक जाएगा, लैपटॉप नहीं बिकता है. तो मैं अपने पैसे को लेके फंसा के मैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग अभी फिलहाल के लिए जो मेरी अर्निंग है उसके हिसाब से नहीं कर सकता हूं. इन फ्यूचर जब हमारा चैनल और ग्रो हो जाएगा, अर्निंग वगैरह बढ़ जाएगी, डेफिनेटली लैपटॉप की अनबॉक्सिंग भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी. नेक्स्ट पूछ रही है यहां पर सुशांत कुमार, ये बोलते हैं गैलेक्सी A50s लेना सही रहेगा क्या भाई, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और डिस्प्ले मुझे अच्छा चाहिए. देखो गैलेक्सी A50s पुराना जरूर हो चुका है, लेकिन अगर आपको जो बिग बिलियन डे सेल में 12-13 हज़ार रुपये मिल रहा था, 12 हज़ार रुपये में स्पेशली, तब वो प्राइस पॉइंट पे मिलता है तो मैं बोलूंगा ईयर एंड सेल में अगर ऑफर आता है तो ले सकते हो, लेकिन जो 15-16 हज़ार रुपये में अगर मिल रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ. उससे अच्छा आप रियलमी वगैरह की डिवाइस ले लो, उसमें बेटर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है. नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सितारा मंडाल, ये बोलते हैं भाई कैसे हो जरूर बताना, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार, आप लोग की दुआ है, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में. ये बोले पोको M3 Pro कब तक लॉन्च होगा और 5G होगा क्या. तो पोको M3 Pro आपको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में देखने को मिलेगा. अब 5G होगा नहीं होगा, डायमेंसिटी होगा, स्नैपड्रैगन होगा, भाई वो फोन आने के बाद पता चलेगा. लीक्स भी अगर मेरे पास आ जाती है डेफिनेटली जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं आशा कुमारी, ये बोलते हैं Redmi Note 10 Pro 5G कब तक आएगा. तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि ये दूसरे नाम से आपको देखने को मिलेगा, जैन या फरवरी के मंथ में आपको जो इंडिया में देखने को मिलने वाला है. नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ऋषभ निम्बेकर, ये बोलते हैं कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में. ये बोल रहे हैं व्हेन विल ईयर एंड सेल स्टार्ट ऑन Amazon एंड Flipkart. तो अराउंड आपको क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर के आसपास यहाँ पर सेल देखने को मिल जाएगा. और ये बोल रहे हैं विच बैंक कार्ड ऑफर विल अवेलेबल एंड मैक्सिमम डिस्काउंट, लव योर वीडियोस, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस एंड मैक्सिमम डिस्काउंट अराउंड 1500 रुपए तक के आप पकड़ के चल सकते हो क्योंकि ईयर एंड सेल है. और कौन से कार्ड पे आएगा तो पता नहीं, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक और आपका SBI का क्रेडिट कार्ड पे बहुत ऑफर रहता है, और ये ICICI बैंक, ये सारी बैंक्स में ही आपको जो है कार्ड में ऑफर देखने को मिलेगा, कोई अदर बैंक पे तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऑफर मिलेगा. नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रनिश सैन, ये बोलते हैं भाई Redmi Note 10 Pro Max कब आएगा, क्योंकि Mi 10 आई तो औकात के बाहर है और वी नीड अ सक्सेसर ऑफ Redmi Note सीरीज इन इंडिया. लव फ्रॉम बंगाल, लव यू टू फ्रॉम मुंबई. और जैसा कि मैंने आपको बताया जो चाइना में 108 मेगापिक्सल वाला Redmi Note 9 Pro 5G है, इंडिया में Redmi Note 10 सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है, ये Mi 10 i के नाम से भी आ सकता है. तो अगर आपको वो फ़ोन चाहिए, सक्सेसर वगैरह चाहिए ही, और अभी जो Redmi Note 10 सीरीज आएगी मेरे हिसाब से 5G फ़ोन के साथ में वो लोग लॉन्च करेंगे, तो डेफिनेटली बजट आपका वही 20,000 रुपये के आसपास ही लॉन्च होगा. इसके हमारा Redmi Note 10 Pro Max होता 15-17 हज़ार रुपये में, वैसा नहीं होगा, उससे महंगा ही होगा. तो आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप जो Redmi Note 9 Pro Max को परचेज कर पाओ. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछता है योगेश कदम, बेसिकली इनका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि Realme X3 में हमें Snapdragon 855 प्लस मिल जाता है, जबकि जो X7 Pro Realme का अपकमिंग स्मार्टफोन है उसमें आपको Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट मिलता है. तो Antutu स्कोर अगर आप देखोगे तो Dimensity 1000 प्लस का थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन गेमर्स लोग बोलते हैं कि भाई X3 मतलब Snapdragon 855 प्लस बेटर परफॉर्म करता है गेमिंग के मामले में. तो पूछ रहे ऐसा क्यों है,
तो मैं आपको बोलूंगा या आप बोल, ये इनका बेसिकली कहने का मतलब ये कि गेमिंग किस पे बढ़िया होगी, तो दोनों में यहाँ पर गेमिंग आपको एक्सीलेंट क्वालिटी की देखने को मिलेगी। एंटूटू स्कोर को हटा दो फिर भी आपको जो 855+ डायमेंसिटी 1000+ बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, फ्लैगशिप ग्रेड के चिपसेट है, तो आपको कोई भी गेमिंग के लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप पूछोगे भाई दोनों में से कौन सा चूज कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा डायमेंसिटी 1000+ के साथ में जाओ, बिकॉज वो एक 5G चिपसेट है और 855+ जो है वो आपका एक 4G चिपसेट है। तो 4G फ्लैगशिप लेना आज की डेट में मेरे हिसाब से बेवकूफी है, 5G के साथ में जाओगे तब यहाँ पर मजा ही आ जाएगी। हाँ बजट के लिए अलग है कि 4G ले रहे हो ठीक है, लेकिन फ्लैगशिप ले रहे हो तो 5G आज की डेट में लेना बनता है। तो 1000+ मेरे हिसाब से ओवरऑल बेटर है एज कम्पेयर टू 855+ से। ये पूछ रहे एनडी जाट, ये पूछ रहे भाई अपकमिंग मोबाइल की लीक्स का पता कैसे चलता है आपको, ट्विटर है, लिक्स्टर है और आपका बहुत सारे एप्लीकेशन है, गैजेट्स 360 हो गया, गूगल न्यूज़ पे पता लग जाता है और मतलब इंटरनेट है यार, आपको जो सर्च करना है कर सकते हो, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और सही टाइम पे सही चीज़ यहाँ पर देखना है और वीडियो बनाना है ऐसे पता चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रौनक पंचाल, ये बोलते हैं भाई 5G के टावर कब खड़े होंगे। तो यार 5G की जो सारी चीजें हो रही है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर में आपको 5G देखने को मिलेगा अराउंड आपको दिवाली, नेक्स्ट 2021 दिवाली के आसपास बताया जा रहा है, लीक है कि इंडिया में 5G जियो की तरफ से देखने को मिलेगा एंड काम वगैरह बहुत ही तेजी से चालू है, बहुत सालों से चालू है, कड़े वड़े सब चीज हो चुका है, बस अभी थोड़ा और टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है, तो 5G बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर विशाल नेहरा, ये बोलते हैं भाई रियलमी X7 किस प्राइस पॉइंट में आएगा और कब आएगा। तो X7 आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 25,000 रुपीज। और ये बोल रहे विल यू प्लीज से माई नेम, लव फ्रॉम जयपुर। ओके विशाल भाई नाम ले लिया एंड लव यू टू फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सचिन चौधरी, ये बोलते हैं मैं बढ़िया आप कैसे हो, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि फोन्स वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी आ गई है कि लोग अभी सामने फेस टू फेस रह के भी बात नहीं करते, सब फोन में घुसे, तो हम फोन के लिए बने या फोन हमारे लिए बने, ऐसा इनका बेसिकली कहने का मतलब है। बहुत सही चीज़ बोले हो, अभी मैं शादी वगैरह में भी जाता हूँ तो बच्चे लोग आपस में खेलते नहीं है, बात नहीं करते, अपने मोबाइल में गेमिंग करते, ग्रुप कनेक्ट वगैरह करके खेलते बट बात वगैरह नहीं करते। तो काफी मतलब नजदीक रहने के बावजूद भी हम जो इंटरनेट की लाइफ में रह रहे और कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन किसको बोलना है व्हाट्सएप पे बोल दिए, थोड़ा मतलब समझ सकते हो आप कि पहले जैसा अब यहाँ पर नहीं रहा, पूरा डिजिटल सोशल लाइफ वगैरह मतलब सब ऑनलाइन ही चल रही है, ऑफलाइन भाई कोई भी वैसी पहले जैसी अभी प्यार वगैरह नहीं रहा, मुझे भी ऐसा लगता है। तो बहुत सही चीज़ आपने बोले हो और आगे चल के मुझे लगता है और कम हो जाएगा, क्योंकि और जो है अभी बहुत सारे लोग अभी तक के जो स्मार्टफोन वगैरह पे नहीं आए वो लोग भी स्विच हो जाएंगे 4G 5G इस्तेमाल करेंगे, वो लोगों का भी यही हाल हो जाएगा, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, वैसे बहुत ही बुरी बात आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर समंत हादी, बोलते हैं भाई अंडर 12 के 5G स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट में कब तक आएगा जिसे हम परचेज कर सके, नहीं तो लॉन्च से मतलब जब एक मंथ बाद कर पाएंगे। रियलमी का वी सीरीज कब आएगा और रेडमी का 9 5G कब आएगा। तो रियलमी वी सीरीज मुझे लगता है इंडिया में नहीं आएगा, रेडमी नोट 9 5G वाला जो है रेडमी नोट 10 सीरीज के नाम से आएगा, वो आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा और 12,000 रुपये में 5G फोन 2021 में तो मुश्किल है, एंड में आ गए नवंबर दिसंबर में अगले साल एक साल बाद तो आ सकता है, वैसे आपको मिड 2021 या उससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा, बजट वाले को आने थोड़ा टाइम जाएगा। वैसे 20-25,000 रुपये में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन 5G के 2021 से स्टार्ट से देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं टेक इंडिया, ये बोलते हैं भाई ओरिजिन OS इंडिया में कब आएगा एंड लव योर वीडियोस, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस भाई। और ओरिजिन OS आपको इंडिया में मिड 2021 तक के देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर समीन शर्मा, बोलते हैं भाई कैसे हो आप, मैं बहुत ही बढ़िया आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। पूरे 3 वीक से क्वेश्चन पिक रहा हो मतलब पूछ रहा हो पिक कर लो, बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है मेरे को फोन लेना है Redmi Note 9 Power ले लूं या Poco M3 का वेट करूं, इनमें डिफरेंस क्या होगा, इनमें चीप कौन सा होगा आप बताओ, कौन सा टाइट बजट है 11,000 रुपए का। देखो आपका जो Redmi का जो अभी Redmi 9 Power और आपका Poco M3 दोनों ही डिवाइस सेम है, सिर्फ बैक पैनल में आपको हल्का सी फर्क देखने को मिल जाता है और कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात करें सस्ता कौन सा आएगा, तो ऑफकोर्स Poco का स्मार्टफोन कुछ ना कुछ आपको एक दो चीज बेटर देगा एज कम्पेयर टू Redmi के कंपेरिजन में। तो दोनों में से आप कोई भी फोन ले सकते हो 11,000 रुपए में, दोनों ही वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। मैं बोलूंगा Poco M3 का वेट करो, वो मेरे हिसाब से ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड कराएगा एज कम्पेयर टू Redmi 9 पावर से। ये गर्मा गर्म क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे, हर क्वेश्चन का रिप्लाई देना तो यार इम्पॉसिबल है, लेकिन जो सिलेक्टेड है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था
तो जरूर नीचे बेझिझक होकर पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।